मानव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सुख चैन सब गवाकर केवल लालसाओं के पीछे भाग रहा है। जो कुछ हमें मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना और संतुष्टता से अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना, यही तो सच्ची मन की शांति है। ईश्वर द्वारा दिया गया गीता का सहज ज्ञान हमारे मन को उलझनों से निकाल कर शांति और सुख से भरपूर कर देता है। ओम शांति। यज्ञेश्वर परमात्मा जीवन यज्ञ के बारे में समझाते हुए मनुष्य मात्र को बहुत सरल तरीके से गहराई का ये जो ज्ञान दिए जा रहे हैं, जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित है, ऐसा अनोखा ज्ञान जिससे मनुष्य के मन पटल के अंदर बहुत सारी बातें इतनी सरल तरह से स्पष्ट होती जा रही है कि जीवन चक्र का एक अद्भुत रहस्य खुलता जा रहा है। और महानते महान विद्वानों से लेकर आम जनता तक हर मनुष्य के समझ में इतने सरल तरीके से ये भाव बैठता जा रहा है और भगवान की समझानी बहुत खुशियां ले आ रही है। लग रहा है कि भगवान का ये जो उद्देश्य है हर मनुष्य के मन को एक सुंदर सा गुलदस्ता जैसे बना दे, जो मन के भावों में जो भी कड़वाहट है, जो भी परेशानियां हैं, उन सब से उभर कर मनुष्यात्मा बाहर निकल के आ जाए और मनुष्य जीवन बहुत सुंदर और सफल बन जाए। इसी ओर बढ़ते हुए भगवान की जो बातें हम समझते जा रहे थे कि परस्परम भावयन्तो, माना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हुए, माना रेस्पेक्ट देते हुए, रेस्पेक्ट लेते हुए और धन्यता का भाव महसूस करते हुए प्रकृति के लिए अपने मन के अंदर एक कृतज्ञता का भाव, जी हाँ हमने आपसे बहुत कुछ लिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं, इस भाव के अभिव्यक्ति जो हम देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि जब मनुष्य आत्मा के नजदीक में जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो मनुष्यात्मा के भावनाओं के साथ साथ पेड़ पौधे में भी बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं, अच्छे फूल खिलते हैं, अच्छे फल खिलते हैं, अच्छी सब्जियां हमको देखने को मिलता है। जो आजकल ब्रह्मा कुमारी संस्थान में योगिक खेती के नाम से जनजनित है,
योग के वाइब्रेशन से आप प्रकृति में भी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो सदियों से हम ये सुनते आए हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है उसके शारीरिक प्रकृति में बदलाव नजर आता है, क्योंकि यहाँ भी तो प्रकृति है ना। जो हम पहले सोच रहे थे कि मनुष्य की प्रकृति माना नेचर स्वभाव, उसमें विकृति आ गई। अगर मनुष्य के स्वभाव में बदलाव चाहिए तो मनुष्य की सोच से अंदर से जब बदलाव होगा, मनुष्य के मन में बदलाव होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके शरीर में भी बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ की प्रकृति से यहाँ की प्रकृति बनती है। तो क्यों नहीं बाहर की प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है। सरल तरीके से भगवान ये जो हमको समझा रहे हैं कि परस्परम भावयन्तः, देवताओं के बारे में दैविकता के बारे में सोचते सोचते हमारे अंदर दैविकता आने लगी, हमारे अंदर दैवी संपत्ति बढ़ने लगी, तो सहज रूप से उसका प्रभाव प्रकृति पर भी होने लगा। जिसको हम वायु देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता मानते हैं, उस प्रकृति में भी परिवर्तन नजर आने लगा। प्रकृति सुखदायी होने लगी, ये महसूसता हम धीरे धीरे करते जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे क्या होगा, श्रेयम, इससे आपको परम श्रेय की प्राप्ति होगी, बहुत ऊंचे श्रेय को आप प्राप्त करोगे। मतलब जब मनुष्यात्मा ये समझ लेता है अपने अंदर से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, तब मनुष्यात्मा के अंदर परिवर्तन सहज रूप से हो जाता है। हमने सुना कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यात्माओं की रचना की। हम सभी जानते हैं कि प्रजापति, अधिपति, ऐसे शब्द की उपयोगिता हम करते हैं कि अधिपति माना जो मालिक है, इसी अनुसार प्रजापति, प्रजाओं का मालिक, इस शब्द की उत्पत्ति या प्रयोग होते आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जी प्रजापति शब्द से अच्छा शोभनीक होगा अगर हम ये शब्द इसी तरह से समझ ले कि प्रजापिता, प्रजाओं का जो पिता है, रचयिता है, मालिक तो है ही, लेकिन साथ साथ वो पिता है। एक अंदरूनी अपनापन इससे महसूस होगा। बहुत सुंदर सी एक उपनिषद में एक कहानी सुनने को मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का निर्माण किया, या यूं कहें टोटल सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने मानव, दानव और देवता, उन सभी के लिए एक शब्द का उपदेश दिया। शब्द का कहे या एक अक्षर का उपदेश दिया, वो अक्षर था द, केवल एक अक्षर का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि में जो भी थे उन सभी के लिए द शब्द का उपदेश दिया। द शब्द से देवताओं ने दमन समझ लिया, माना देवताओं के पास अष्टैश्वर्य था, सब कुछ था, बहुत ज्यादा था। तो देवताओं को ये समझ में आया कि जो हमारे पास है इसका घमंड हमें आना नहीं चाहिए, हमको अपने आप को दमन करना चाहिए। और जो मानव प्रवृत्ति के थे उन्होंने इसको दान समझ लिया, माना जो हमारे पास है वो हम मिल बांट के खाएंगे। और जो आसुरी प्रवृत्ति के थे उन्होंने इसको दया समझ ली, माना हमारे अंदर जो घमंड है, हिंसा की प्रवृत्ति है, उसको दया में परिवर्तन करना चाहिए। इसी समझ से भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ये उपदेश दिया था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, ये तो देखने में आ रहा है कि जो देवता प्रवृत्ति के लोग थे उनमें दमन के बदले दया भाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जो दानव है उनके अंदर दमन प्रवृत्ति ज्यादा होती जा रही है। हर किसी को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, अपने हिंसा से, अपने क्रूरता से, अपने घमंड से हर किसी का दमन करते जाओ। और मनुष्यात्मा क्या कर रहा है, दान देने के बदले दान लेने में बहुत बिजी है। कहां भी कोई भी कुछ मिलता है, जरूरत है कि नहीं है, सोचेगा नहीं, जाएगा वो अपने लिए ले लेगा।
जैसे कि सिंपल गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में भी अगर आप सोचेंगे, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, हम 60-70 साल से भारत में रिजर्वेशन पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते थे बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, बड़े बड़े अहदे में हैं। इतना होने के बावजूद भी अभी वो रिजर्वेशन लेने में ही तत्पर है। हम ये देखते हैं कि हर मनुष्यात्मा अपने प्रवृत्ति से विपरीत ही काम कर रहा है। इसलिए भगवान ने ये बार बार समझाया कि ये जीवन एक यज्ञ है। भगवान इस सृष्टि को बदलने के लिए जब पधारते हैं या अवतरित होते हैं तो एक यज्ञ की स्थापना करते हैं। जो भगवान यज्ञ की स्थापना करते हैं वो कोई घी वाला, तिल वाला, आहुति देने वाला यज्ञ इतने के लिए नहीं होगा या यही यज्ञ नहीं होगा। भगवान जो यज्ञ की स्थापना करते हैं वो कर्म यज्ञ होगा, वो एक ज्ञान यज्ञ होगा या वो एक जीवन यज्ञ कहलाएगा। मनुष्य आत्मा के जीवन को ही संपूर्ण तरह से बदलने के लिए, अपने जीवन को ही परमात्मा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ में आहुति डालनी होगी। इसलिए बार बार भगवान हमको ये समझाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से समझाने दे रहे हैं। आगे के श्लोक में हम देख रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव सह। कितने अच्छी तरह से यहाँ पर भोगान शब्द आया है, इसका मतलब भोगना ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, जो मनुष्यात्माओं के लिए जरूरत की चीजें हैं, माना मानव जीवन के उपभोग के लिए जो चीजें हैं, जो मनुष्यात्माओं को प्रकृति के अलग अलग देवताओं से प्राप्त होता है, माना मानव भाव में जो भी देने वाला है वो देवता है ना। सूरज से प्राप्ति होती है, अग्नि से प्राप्ति होती है, पानी से प्राप्ति होती है, इन सब प्राप्ति देने वाले मनुष्यात्मा को जो है, इन सब देवताओं को जो हमें मिला है उसमें एक भाग उनके लिए अर्पण करना चाहिए। जो हमें देता है उनको दिए बिना या उनको अर्पण किए बिना जो खाता है वो जैसे कि एक चोर है। कितना स्पष्ट तरह से परमात्मा ने एक कर्म सिद्धांत समझा दिया। हम जीवन में किससे भी कुछ पाते हैं तो उनके लिए धन्यवाद तो अंदर से निकलता ही है। केवल धन्यवाद से काम नहीं बनेगा, हमें किसी ने समझो बहुत कुछ दिया जीवन में, तो हम एक बार तो उनको हम अपने घर बुलाएंगे ना जी, एक बार हमारे घर आइएगा, हमारे साथ भोजन करिएगा कि आपने इतना कुछ दिया, एक दिन हमारे साथ बिताइएगा ताकि हमें भी तसल्ली हो कि आपसे हमें बहुत कुछ मिला और हम अंदर से आपके लिए अभिवादन या अभिनंदन की महसूसता करते हैं। ये जो मानव प्रकृति है, प्रवृत्ति है, इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में एक नियम है, जब होमकुंड रचते हैं, यज्ञ तैयार करते हैं या यज्ञ रचते हैं, तो जो भी नैवेद्य के लिए, माना भोग लगाने के लिए चीजें तैयार होती हैं, उसमें से कुछ भाग उस होम कुंड में भी डाल देते हैं। इसको कहते हैं हविस, हविस देना। अग्नि को देते हैं, वरुण को देते हैं, इंद्र को देते हैं, पता नहीं सब देवी देवताओं को बुलाते हैं, जिनको मनुष्य देवी देवता मानता है उनका भाग उनको पहुंचा देते हैं। जैसे कि एक किसान होगा, अगर वो किसान क्या करेगा, जो भी फसल आएगी काट के लाएगा, थोड़ा बहुत वहीं छोड़ के आएगा, जो गिरा हुआ है या कोने में कुछ डाल के आ जाएगा, ये सोच के कि ये प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है उनके लिए भी मैं थोड़ा सा दान कर देता हूँ। इस धरती ने मेरे लिए सब कुछ दिया है, धरती के लिए मैं कुछ दे देता हूँ। इसलिए भूदेवी की भी पूजा होती है। मतलब ये जो कृतार्थ भाव है इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, सब जगह से इतना हमने पानी को यूज किया, इतना किया, आपको पता है चिड़ियाओं के लिए, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। आप जब आएंगे आप देखेंगे जंगलों को हमने काट दिया, वहां पर पेड़ पौधे निकाल दिए, हमने कंक्रीट जंगल बना दिया,
जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए जगह नहीं बचा, पानी नहीं बची, तो आजकल हाथियों के झुंड के झुंड पूरे शहर में आ बसते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसका कारण क्या है कि मनुष्य आत्मा के अंदर जो अति की भावना है, लालसा है, जो कुछ चाहिए मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, जबकि हमको पता है दो रोटी से ज्यादा हम खा नहीं सकते। इसलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं कि जिसने दिया उसको कहे बिना, उसको दिखाए बिना अगर आप खाते हो या आप उसका उपभोग करते हो तो आप चोर कहलाते हो। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में भगवान हमें बहुत अच्छी बातें सिखलाते हैं कि आपने कमाया होगा, आपने मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत करने की ताकत आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। तो उस भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना जो भी आप पकाते हो अपने लिए, लेकिन अपने लिए बचा के नहीं रखना, जो भी पकाते हो पूरा भगवान को भोग लगा देना। जब भोग लगा देते हो, अन्न आप पकाते हो, भोग लगाने से वो प्रसाद बन जाता है। अन्न खाने से शरीर के लिए न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, लेकिन प्रसाद खाने से मन के लिए भी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, जिससे जो भगवान चाहता है इस दुनिया में जो कोटि कोटि मनुष्य है और उन करोड़ों मनुष्यों के जो मन बहुत प्रदूषित हो गए हैं, उस मन में या उस मनुष्य के मन में सुंदर सा सुख का, शांति का फूल खिले, जिससे पूरी दुनिया एक महकते हुए, चहकते हुए एक बगिया बन जाए। इसलिए आगे चलकर भगवान हमको ये समझाते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही बुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। बहुत सुंदर से छोटे छोटे शब्द है इसमें, त्व अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। माना स्थूल रूप से हम इसका एक बार अर्थ समझ लेंगे कि आपने यज्ञ रचा है, यज्ञ में आपने बहुत कुछ आहुति डाली है और आपने यज्ञ में बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान किया और उन देवी देवताओं के लिए आपने भोग लगाया, और जो बचा भोग लगाने के बाद जो बचा ये देवताओं का झूठा है, यज्ञ शिष्टा जो बच गया, जो बचा हुआ है भोग लगाने के बाद देवताओं को देने के बाद, उसे खाने से मनुष्य आत्मा के पाप भस्म होते हैं और मनुष्य आत्मा के जीवन में भी कोई भी तरह के शारीरिक समस्याएं नहीं आ सकती है। और ऐसे जो शेष खाते हैं, यहाँ पर हम संस्कृत का ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यज्ञ शेष, यज्ञ में जो बचता है उसको खाने वाला संत है। कितने सुंदर तरीके से भगवान ने हमें समझा दिया कि भगवान ने एक ज्ञान यज्ञ रचा है, इस ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ आप समर्पण कर रहे हो, आहुति डाल रहे हो। बाद में भगवान कहता है ये जो भी है सब तुझे मैं लौटाता हूं कि तू इसे दान धर्म में, प्रकृति के पुनरुत्थान में, मनुष्यात्मा के कल्याण में प्रयोग कर, और जो थोड़ा सा बचता है अपने लिए इसका प्रयोग कर। भगवान की इस बात को जो समझ लेता है वो है संत, जिसका मन शांत है, जिसकी मन में परमात्मा प्यार भरा हुआ है, जो परमात्मा के शरण में आ गया है, जो अपने शरीर भान से बिल्कुल मुक्त हो गया है, उसी को तो संत कहते हैं। कई बार हम ये छोटे सी कहानी तो सुन ही लेते हैं कि दो संत जा रहे थे, एक नदी पार करना था, एक युवती वहां पर गिर गई, एक संत ने उस युवती को अपने कंधे पे उठाया और किनारा पहुंचा दिया। बाद में दूसरे संत भी बात करना बंद कर दिए, दोनों चुपचाप जा रहे थे। थोड़े दूर जाने के बाद दूसरे संत बोलते हैं, क्या उस युवती को अपने कंधे पर उठाना जरूरी था? हम सन्यासी हैं, हम प्रसंग नहीं कर सकते, हम स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते,
तो जिस संत ने उस युवती को किनारे तक पहुंचाया था, वो मंदस्मित होके कहते हैं, अरे महानुभाव, उस युवती को तो मैंने उसी किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन आप अब तक भी उस युवती को अपने सिर के ऊपर लेके बैठे हो, उस संकल्पों का बोझ अब तक आप उठा रहे हो। कितने सुंदर से एक सरल दृष्टांत है ये। जी हाँ, भगवान हमको यही कहते हैं, जो भी हम जीवन में पाते हैं ये सब भगवान की दी हुई है, और भगवान की दी हुई जो भी चीज़ है इस ज्ञान यज्ञ में हमें समर्पण करना है, और भगवान जो हमें वापस देते हैं सेवार्थ या नित्य कर्म के लिए, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना है। अगर ऐसा संत मनोभाव हमारे अंदर नहीं बढ़ता है, या हम जो पकाते हैं वो भगवान को दिखाए बिना हम खाते हैं, तो भगवान कहते हैं जो केवल खुद के लिए खाना पकाते खाते हैं ना, वो पापात्मा है, और जो भगवान के लिए बनाते हैं, मतलब यहाँ केवल खाने की बात नहीं है, जो भी चीज है, जो भी कर्म है, जो भगवान के लिए करते हैं वो यज्ञशेष बन जाता है, और यज्ञशेष जो खाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कितना सुंदर और उपयुक्त भगवान की ये बातें हैं, सदियों से सुनते आए, लेकिन इस भाव को जीवन में उतारने में हम सफल नहीं हुए। लेकिन आज से तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि इस जीवन यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में जो भी हमें मिला है सब भगवान की दी हुई है, और भगवान की दी हुई चीज़ें भगवान के सामने हम समर्पण करें, और भगवान जिन चीज़ों को सेवा के लिए हमें देते हैं उसी भाव से उसका प्रयोग करें, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी लालसा के लिए, अपने जीभ रस के लिए, अपने कर्णानंद के लिए, या दुनियावी अनुभोग के लिए, उपभोग के लिए हम कुछ न करें। जन्म जन्मांतर हम शरीर निर्वाह के लिए, शारीरिक संतोष के लिए, भौतिकता के लिए ही बहुत कुछ करते आए, जिसके कारण पाप की गठरी इतनी बढ़ गई जो उतारना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी अगर आज से हम प्रयास करेंगे कि यज्ञ शेष खाएंगे और अपने लिए, केवल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करेंगे, तो जीवन का ये रास्ता बहुत सरल और सुगम हो जाएगा। ओम शांति। गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा सबसे पहले हमारे जीवन की नींव अर्थात सोच को मजबूत करते हैं। सकारात्मक संकल्पों का बीज मन को विकारों रूपी कांटों से मुक्त कर उनमें गुणों रूपी कलियों का रोपण करता है। जब हमारे दैवी संस्कार जागृत होते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्य गुणों की महक आती है, तो जीवन में लेने की सोच बदल मानव मात्र को कुछ देने अर्थात कल्याण अर्थ की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। देखा जाए तो ईश्वर हमें परमार्थ के संस्कारों से सुसज्जित कर रहे हैं, ताकि हम मांगने वाले मनुष्य से देने वाले देवता बन जाए। वह प्यारे प्रभु हमारे लिए यही शुभ इच्छा रखते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति भी हमेशा हमें देती आई, उसी प्रकार भगवान के बच्चे जिन्हें भगवान स्वयं गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, वह भी शुभ एवं निस्वार्थ भाव से स्वयं का और दूसरों का कल्याण करे, तभी जीवन यज्ञ सार्थक होगा। दोस्तों, वो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा जिसने हमें सब कुछ दिया, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का भी बल दिया, उसे हम कभी ना भूलें, तभी जीवन रूपी बगिया समृद्ध और खुशबूदार बन पाएगी। ओम शांति।